गाइस, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आप सबका आज के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है संडे का दिन, और जैसे कि आप सबको पता होगा, आजकल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिक्चर चल रही है, काफ़ी ज़्यादा फेमस पिक्चर चल रही है, जिसका नाम है स्त्री टू। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस पिक्चर को देखने के लिए। और हमारा आज कैसा प्लान बना है कि आज हम स्त्री टू पिक्चर देखने जा रहे हैं, मैं और मेरी पूरी फैमिली, ठीक है? तो वही ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कहाँ कहाँ जाना हो पाता है। तो अभी आज मैंने हेयर वॉश करा है अपने, और कुछ नए प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि जो केमिकल वाले शैम्पू है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेयर को नुकसान कर रहे हैं। सो आई बॉट अ टू न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, दोनों अलग अलग जगह से मैंने मंगवाया था। तो अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं तैयार व्यार हो जाऊँ, तब आपसे बात करती हूँ, ठीक है? हेलो जी गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ। बस अपने बाल सूखने का ना वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल अभी भी गीले हैं, और मैं इसको ना फैन में सुखा दूँ। मैं कोई भी हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे स्पेशली ऐसा लगता है, हो सकता है इस चीज़ को लेकर लोगों की अलग अलग सोच हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि बालों को अगर आप नेचुरली सुखाओगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और स्पेशली जो लोग अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं मेरी तरह, है ना, तो उनके लिए। तो यहाँ पर अभी बालों को सुखाया जा रहा है। ये हमारे ठाकुर जी बैठे हैं मेज पर क्यूट क्यूट से, और जैसे कि आपको बताइए कि परसों या कल जन्माष्टमी है, क्योंकि तिथि का हेर फेर हो चुका है, तो उस वजह से जन्माष्टमी को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट मुझे ऐसा लगता है मोस्टली कल ही मनेगी जन्माष्टमी। तो अभी जैसे हम आते हैं, उसके बाद ना ठाकुर जी के कपड़े भी लेने जाना है, उनके अभी तक उनका श्रृंगार का सामान भी नहीं आया ठाकुर जी के, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं चीज़ है, उसको भी मैं लाने का सोच रही हूँ। और स्त्री पिक्चर के बारे में तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा। और आप सबको पता है क्या है कि मेरे का है भृंगराज का और आमला का, अगर आपको उसका नेम जाना ना, तो मुझे कमेंट में लिख कर बताना पड़ेगा, तो ना बदल के रख दिया। सो मेरी प्यारी आ चुका है खाना, ठीक है? तो अभी हम लोग चलने के लिए रेडी हो चुके गाइस, ना मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि हाँ ठीक ठाक मौसम है, ज़्यादा धूप वगैरह भी नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है ना। अगर गर्मी हो तो सारा मेकअप तो धुल जाता है, उसके बाद में फिर बहुत गर्मी भी लगती है, पर आज का मौसम भी अच्छा है। दो तीन बार से ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, जब भी मैं बाहर निकल रही हूँ या जब भी मैं कहीं पर जा रही हूँ ना घूमने, तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है बार बार से, ठीक है? और मैं सबसे पहले आ चुकी हूँ, मेरे घर परिवार वाले अभी अंदर ही हैं, फिर से हम जा रहे हैं उनको देखने के लिए। देखिए गाइस, इट्स ओपन हो गई है ऑलरेडी, यू कैन सी। ओह माय गॉड, लिफ्ट तो चली गई, अब क्या कर रहे हैं गाइस? एज यू कैन सी, गाड़ी चल चुकी है यहाँ पे, नहीं आ रहा, यहाँ जरूरत हो जाती है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा काम। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर मॉल में, और पिक्चर अभी स्टार्ट नहीं हुई है, एक घंटा बाकी है, और एक अभी घंटा बाकी है पिक्चर को स्टार्ट होने में, धूप बहुत तेज पड़ रही है, जिसकी वजह से मॉल तो काफ़ी अच्छा है, मॉल में दुकानें बढ़िया है, बढ़िया है। खाली है क्या? पीछे यहाँ पे ये टॉय ट्रेन है, छोटे छोटे बच्चों के घूमने के लिए यहाँ पे ना, बेसिकली बड़ों के लिए नहीं है। और यहाँ पे ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया वो भी हैं, पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव शॉप होती हैं, मतलब जो लोग मोल भाव बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे जैसे लोग हैं मोल भाव ज़्यादा करते, तो यहाँ पे मोल भाव का कोई काम नहीं है, फिक्स है तो फिक्स है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो अभी तो हम चढ़ कर ही जाएंगे, लिफ्ट से नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा थक गई चढ़कर, वही आ गया पूरा, यू कैन सी। कोई स्त्री पिक्चर का बढ़िया ऐसा पोस्टर मिले मुझे यहाँ पे, तो मैं अपनी ना इधर देखी इस जी जो पोस्टर बने, इन पर फोटो खींचूँ, वीडियो वीडियो बनाई। मैं तो जा रही थी, लोग लोग बाहर वेट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का आप लोग देख सकते हैं। नहीं है तो चलो अंदर बैठ के डरते हैं, क्योंकि हम लोग भी बाहर बैठे हैं ना, तो बाहर से बैठते भी इतनी ज़्यादा आवाज़ें मम्मी को बहुत डर लगता है, तो अभी बाहर भी इतनी ज़्यादा इसकी चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही है ना पिक्चर की, क्योंकि थोड़ी सी हॉरर पिक्चर है ये, स्त्री दिखाई है, सिरकटा भी दिखाया गया इसमें, तो बहुत हॉरर फिल्म है, जिसकी वजह से एंट्री टाइम हो चुका है, देर बाद हमने हमारी पिक्चर हॉल में एंट्री हो चुकी है। इसके पीछे फॉलो करो ना भाई, ये दिखा दी जरा, चलाते रहे यहाँ पे। सबसे बड़ा वो लगता है कि आपको ना देख के चलना पड़ता है, लेकिन अच्छी बार में हिल्की चप्पल नहीं पहन के, नहीं तो गिरी होती आज मैं बहुत बुरी तरीके से। भैया अभी हम यहाँ पे आके बैठ चुके हैं,
ठीक है। और अभी तो पिक्चर स्टार्ट नहीं हुई है और मेरा ना थोड़ा सा जी ही मचला रहा है, ऐसा कर रहा कुछ खा लो। तो ये ऐड चल रहा है ओप्पो का। दरवाजे तो बंद होते ही ताकि एक दिन गाइस पिक्चर स्टार्ट हो चुकी है। अभी मम्मी अब फेमस हुआ है जिसकी भाई जी जैसे भाई नहीं है। बच्चा मेरी तरफ को देख रहा है।